कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। अब तक ये वायरस 11 लाख से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका है और करीब 60,000 लोगों की जानों को ले चुका है। भारत में भी इसका संक्रमण करीब 3,000 लोगों तक जा पहुंचा है। जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय ने कोरोना वायरस फैलना शुरू होने से लेकर अब तक के घटनाक्रम को राजनीति से लेकर गरीबी और स्वास्थ्य आदि सेवाओं से जोड़ते हुए एक लेख लिखा है। अब उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग उनके खिलाफ ही बोलते नजर आ रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा आया जब ट्विटर पर अरुंधति रॉय ट्रेंड करने लगा। एक शख्स ने लिखा है, आर्टिकल लिखना अरुंधति रॉय का टाइम पास करने जैसा हो गया है। इस लॉकडाउन में टाइम पास में वह घर बैठे बैठे एक नई दुनिया की कल्पना कर रही हैं, बल्कि वह तो खुद ही अपनी एक अलग दुनिया में रह रही हैं और फिक्शन स्टोरी लिख रही हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर वह देश की प्रधानमंत्री होती तो क्या होता। एक अन्य यूजर ने लिखा है, काश अरुंधति रॉय तबलीगी जमात के लोगों के साथ बैठी होती और हम भगवान से उनके लिए प्रार्थना करते कि वह सही ना हो। अपने आर्टिकल में अरुंधति रॉय ने लिखा है कि तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद ऐसा जताया जा रहा है कि मानो उन्होंने जानबूझकर फैलाने के मकसद से ही ये सब किया था। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ये आर्टिकल अरुंधति रॉय ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लिखा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से खबरों में उनका नाम नहीं आ रहा था। एक ट्विटर यूज़र ने लिखा है, हर किसी को खुद को बचाए रखने के लिए खुद को फिर से बनाना होगा, लेकिन आप खुद यह नहीं कर रही हैं। बीजेपी को कोसने से ऊपर उठो, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। एक यूजर ने तो लिख दिया कि लग रहा है ISI से अरुंधति रॉय को फिर से पैसे मिले हैं। अभी के आर्टिकल में वह सिर्फ PM मोदी पर हमला बोल रही हैं और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। एक ट्विटर यूजर ने कहा है कि अरुंधति रॉय की तरह मैं कभी नहीं बनना चाहूंगी, जो हमेशा मेरे धर्म को बिना किसी वजह के बदनाम करती रहती हैं। याद रखना, आप मेरे धर्म को बदनाम करोगी तो आप मेरा विश्वास और आदर खो दोगी। मैं आपके सामने ही आपके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या लिखा है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय ने अपने आर्टिकल में चीन से इसके शुरू होने, अमेरिका के इससे बुरी तरह जूझने और भारत में इसके तेजी से फैलने का जिक्र किया है। उन्होंने अपने आर्टिकल में मोदी सरकार को खूब लताड़ा है और हमला बोलते हुए कहा है, बिना किसी तैयारी के ही PM मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से स्थिति खराब हुई। उन्होंने तो एक तरह से आरोप लगाया है कि PM मोदी को गरीबों की परवाह ही नहीं है, ना ही वे कोई फैसला लेने से पहले राज्यों के साथ मिलकर बात करते हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में ये कहा है कि मोदी सरकार ने सही कदम उठाने में देरी की। अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि जब चीन में कोरोना वायरस फैल रहा था तो भारत में CAA को लेकर घमासान जारी था। यहाँ तक कि 30 जनवरी को पहला मामला भारत में सामने आया, लेकिन मोदी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त थी। अपने आर्टिकल में उन्होंने मोदी सरकार पर खूब निशाने साधे, जिसकी वजह से ट्विटर पर लोग उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं।